नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले कुछ समय पूर्व ही पंचायतों का जो समय है वो समाप्त हुआ था और उसके बाद जितने भी सरपंच थे उनको सभी को अपना अपना जो इंक्वायरी जो जितना भी जो डाटा था, जितने भी जो पेपर्स थे वो सभी के सभी हैंडओवर करने के लिए कहा गया था, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने हैंडओवर भी कर दिया। लेकिन उसके बाद लगातार चरखी दादरी में जो भ्रष्टाचार की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। लगातार पंचायत अधिकारियों और ठेकेदारों के जो वीडियोज़ हैं और साथ ही साथ मैं कहूँ कि सरपंचों के जो वीडियोज़ हैं वो कहीं ना कहीं वायरल हो रहे हैं। आज एक ऐसा ही मामला दोबारा से सामने आया है जिसमें चरखी दादरी के नज़दीक गांव समसपुर से एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पर समसपुर में बनी हुई गलियों के मामले में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ बताया जा रहा है। और उसी चीज़ को लेकर के आज चरखी दादरी उपायुक्त को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है, एक शिकायत सौंपी गई है जिसमें संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई है। तो जिसने ये जो शिकायत है वो जो दी है, अनिल कुमार जी ये हमारे साथ हैं, RTI एक्टिविस्ट हैं, लगातार RTI लगा करके कहीं ना कहीं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उन पर कहीं ना कहीं नज़र रख रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं उजागर भी कर रहे हैं। तो अभी इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ मामला है और क्या कुछ इन्होंने शिकायत में लिखा है और क्या इनको आश्वासन मिला है। अनिल कुमार जी, क्या मामला क्या है एक्चुअल में? अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल तो गलियां का निर्माण हुआ नहीं, कब का मामला है और आज ये मामला क्यों निकल के आया है? सर, बात ऐसे है, ये मामला करीब करीब 4 से 5 महीने पहले का है जी। गांव एक विकास ठेकेदार है, उसके द्वारा गांव के लगभग 90% गलियों का जो कार्य किया गया था और सरपंच के साथ उसकी खूब पटती भी थी, लेकिन बाद में उन दोनों में मनमुटाव हुआ तो सरपंच द्वारा उसकी जो पेमेंट है वो रोक दी गई, वह किसी अन्य आदमी को कर दी गई। ठेकेदार द्वारा उसकी वीडियो जो थी वो बनाई गई थी, उसको कमीशन देते हुए के लिए भी मेरा ये काम हो जाना चाहिए और आप ये पैसे पकड़ो, ठीक है। तो उसी आधार पर ये करीब करीब 6 महीने पहले की वीडियो है और आज मैं सुबह जब सो के उठा तो मेरे पास ये 500 वीडियो जो थी वो उपलब्ध थी और मैं RTI का कार्य करता हूँ और भाई भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हूँ और इसीलिए मैं आज DC साहब के पास आया हूँ और मैंने अपनी लिखित में शिकायत दे दी है, जिसमें एक ग्राम सचिव है सने कुमार नाम का और जगबीर सरपंच है और विनोद कुमार JE है जी। उनको पैसे देते हुए इसमें दिखाया गया है और मैंने JE साहब से दरखास्त किया है कि सर आप इसके ऊपर उचित से उचित तथा जल्दी। JE साहब से भी दरखास्त की? नहीं, DC साहब से, ठीक है, DC साहब को शिकायत दे दी है और उसके जल्दी से जल्दी और उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात की जाए, जो आप भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पर बता रहे हैं, लगभग कितने रुपयों का भ्रष्टाचार यहाँ पर दिखाई दे रहा है? क्या कमीशन है या सीधा ही कोई घूसखोरी का कोई और दूसरे तरीके का मामला है, किस तरह का मामला जरा पूरा अच्छे से समझा पाएंगे? उस JE की एक वीडियो है, वो 5 मिनट कुछ सेकंड की है, उसमें क्लियर बताया जा रहा है कि JE का इसमें 3% होता है जी और कुल मिलाकर 3% क्या होता है? कमीशन, ठीक है, 3% कमीशन JE का होता है और कुल मिलाकर 10% कमीशन के बारे में बताया जाता है कि उसमें भाई 3% JE ले लेगा और बाकी सरपंच और जो है वो सेक्रेटरी जो है वो आपस में कन्वर्ट कर लेंगे जी। तो उस दौरान JE ने बोला कि भाई मेरा कमीशन जो है 1,95,000 रुपये बनता है, 95,000 रुपये मेरे पास आ चुके हैं, एक पेटी मेरी बकाया है, मेरे को दे दो। क्लियर बोला गया सर, वीडियो में क्लियरिटी आवाज़ आ रही है जी। तो जो आपके से आपके सामने जो वीडियो आए हैं तो उसके बाद आपने कोई इंक्वायरी की हो कि कितना पैसा दिया गया है टोटल करके? जैसे आप वीडियोज़ में तो लाखों रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन पैसा कितना दिया जा चुका था, कितना बाकी था, कुछ पता चल रहा है इस बारे में? सर, मेरे गांव में अगर मैं कुल मिला के देखूँ तो लगभग तमाम सी गलियाँ जो है वो पक्की हुई हैं और कुल मिला कर पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब 1 करोड़ के आसपास पेमेंट हुई होगी, उस हिसाब से तो ये लाखों में है जी। तो अभी जब आप DC साहब से मिलकर के आए हैं, DC साहब को आपने क्या कुछ लिखित में दिया है और क्या कुछ DC साहब ने कार्रवाई करने की बात कही? DC साहब ने उनको सस्पेंड करने बारे बोला है मेरे सामने कि भाई जो JE है उसका संबंधित अधिकारी को भेज दिया जाएगा और सेक्रेटरी को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा जी। कोई इंक्वायरी भी करवाई जा रही है? हाँ, ADC को इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त किया है जी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लगातार जैसे हैं कि भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं और जैसे कि जागरूक जो ग्रामवासी हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में अपनी जो जागरूकता कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं और जैसे अनिल कुमार जी ने कहा है कि उन्होंने जैसे ही उनके सामने वीडियोज़ आए हैं उन्होंने संबंधित वीडियोज़
को ही लेकर के और वो चरखी दादरी उपायुक्त से मिले हैं और चरखी दादरी उपायुक्त को उन्होंने लिखित में शिकायत भी दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जो ये शिकायत दी है, शिकायत के ऊपर जहाँ चरखी दादरी उपायुक्त के द्वारा कहा गया है कि जितने भी जो संबंधित लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसमें पंचायती राज के अधिकारी हैं, चाहे अलग से हम बात करें, चाहे सरपंच हैं, चाहे ठेकेदार हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये क्लियर कर दें कि घूसखोरी जो है वो देना, क्योंकि अगर आप किसी को घूस देते हैं तो देना भी अपराध है और लेना भी अपराध है, तो दोनों तरफ ही यहाँ पर है। और जहाँ तक बात है कि चरखी दादरी उपायुक्त की, तो हमने भी यहाँ पर चरखी दादरी उपायुक्त से बात की है और चरखी दादरी उपायुक्त ने बताया है कि उनके पास एक शिकायत मिली है, जैसे कि हमने आपको जो शिकायतकर्ता है अनिल कुमार से भी बातचीत करवाई है और उन्होंने भी अब चरखी दादरी उपायुक्त ने कहा है कि हाँ मैं उनके पास शिकायत पहुंच चुकी है और शिकायत मिलने पर उन्होंने उसकी इंक्वायरी की बात कही है और चरखी दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त को इस मामले की जाँच करने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दें कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करने की भी यहाँ पर बात कही गई है और साथ ही जो भी सरपंच हैं उनके खिलाफ भी जो आगे की जो कार्रवाई है वो करने की बात कही गई है। अब कहीं ना कहीं जहां पर बात इंक्वायरी की आई है तो वहां पर अब ये देखना होगा कि क्या कुछ इंक्वायरी में निकल के आता है। आज मेरे पास एक आर्टी एक्टिविस्ट अनिल कुमार पेश हुआ, उसने मुझे कुछ वीडियोस दिए जो कि 3-4 महीने पुराने हैं और अब एक लिखित शिकायत दी है जिसमें जय स्नेह कुमार है और ग्राम सचिव स्नेह कुमार है और जय विनोद कुमार है और सरपंच समस्तपुर जगवीर और विकास शर्मा ठेकेदार, इन पे आरोप लगाया है कि इन्होंने गांव में जो गलियां बनाई थी उसमें जो कमीशन है वो सरपंच को और पंचायती राज अधिकारी को ये दे रहा है और वीडियो में भी साफ प्रतीत हो रहा है। और अभी मैंने जेई को और ग्राम सचिव को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। एडीसी चरखी दादरी को इसमें इंक्वायरी करने के लिए बोल दिया गया है कि वो ठेकेदार का रोल भी और हमारे पंचायत के अधिकारी का रोल भी उसमें इंक्वायर करके जो डिसिप्लिनरी एक्शन और लीगल एक्शन लेना है उसके लिए अपनी रिकमेंडेशन भेजें। रिश्वत देना और लेना दोनों अपराध है, तो क्योंकि ठेकेदार इस वीडियो में देता हुआ पाया गया है और शिकायत में भी कहा गया कि ठेकेदार ने रिश्वत दी है, तो इसलिए अगर पाया गया ठेकेदार का कसूर हो तो ठेकेदार के खिलाफ भी अप्रोप्रिएट लॉ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो नीचे जो कर्मचारी होते हैं, बड़े जो अधिकारी हैं, उनकी सपोर्ट के बगैर इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई इस तरह की लाई जाएगी, क्या उनकी भी कहीं पर जाँच की जाएगी? भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें हर आदमी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर आदमी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर ये पाया गया कि उच्च अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जैसे कि आप लोगों के सामने पूरा का पूरा मामला आ चुका है, लगातार जो भ्रष्टाचार के मामले हैं चरखी दादरी में बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो प्रशासन है संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है, तो जहां कार्रवाई करने की बात आ रही है तो आज के भी मामले में जहां चरखी दादरी उपायुक्त के द्वारा तुरंत कार्रवाई करने की बात कही गई है, जो संबंधित अधिकारी उनको सस्पेंड किया गया है, तो जो बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर इंक्वायरी भी करने की बात कही गई है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इंक्वायरी में क्या निकलता है, क्या जो आरोप जो अभी लगे हैं वो पूरे सिद्ध होते हैं और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो आगे क्या कार्रवाई होगी, ये बड़ी चीज़ें हैं। आने वाले समय में आपको खबर पर बनाए रखेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं सोमेश ढाका वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।